बहुत मजा आने वाला है हम्म, तो शुरू करे? शुरू करें। बिल्कुल, करते हैं सिलसिला, सवालों का और जवाबों का जो आपने पूछा सवाल हैश टैग गुरु जी यूज करते हुए आज उन्हीं के जवाब देने वालों एक बार वापस से हर बार की तरह आपसे बातचीत कुछ करने वाला हूं जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल ही एप्पल इन इंडिया से रिलेटेड है संदीप जानना चाहते हैं कि टोटल कितने स्टोर खुलेंगे एप्पल वाले एक दिल्ली में दूसरा मुंबई में इसके अलावा और भी स्टोर खुलेंगे क्या आ, संदीप भाई खुलने तो चाहिए देखो मतलब शुरुआत जो है वो अभी दिल्ली बॉम्बे से हो रही है यू नो हमारे दो काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर हैं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बैंगलोर जो है वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है आ, हैदराबाद जो है वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है या अगर बात करता हूँ चेन्नई की फॉर एग्ज़ाम्पल या पुणे या यू नो कोलकाता हो गया है या अब इंदौर वगैरह हो गया है लखनऊ हो गया है मतलब यू नो एटलीस्ट कैपिटल सिटीज हैं बिकॉज इंडिया इतना बड़ा मार्केट है जोग्राफिकली भी काफी बड़ा है हमारा देश तो डेफिनेटली यू नो इन फ्यूचर वी माइट सी कि एप्पल जो है वो और अलग अलग शहरों में भी जाएगा बट शायद ये काम बहुत जल्दी नहीं होगा थोड़ा तो टाइम लगेगा टू बिगिन विद वी हैव नो स्टोर्स कमिंग अप इन मुंबई एंड डेली संगमेश जानना चाहते हैं आप आई को फॉलो कर रहे हैं और उनकी एक रिक्वेस्ट भी है कि एक आई पी एल ब्लॉग विद एस आर एच या फिर एनी टीम के साथ प्लीज दे दीजिए संगमेश भाई जानता हूँ भैया आप हैदराबाद को बिल्कुल एकदम ऐसे सपोर्ट कर रहे हो पूरे मन से धन से और लगन से तो फ्यूचर में अगर प्लान हुआ तो बिल्कुल यार नो कुछ ना कुछ बनाते हैं आईपीएल का ब्लॉग आईपीएल पी से बहुत लंबा चल रहा है अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास में तो बड़े मैचेस जो होंगे आगे चल के उनका कुछ देखते हैं जहाँ तक बात है फॉलो करने की तो यार मैं ऐसे एक्टिवली फॉलो नहीं कर रहा हूँ बट बीच बीच में कुछ न्यूज़ आ जाती है फॉर एग्जाम्पल अभी वो जो था पाँच छक्के अभी जो लगे थे भैया रिंकू सिंह ने जो पूरा कमाल कर दिया था तो वो एक मैच हो गया या बीच में काफ़ी जैसे कुछ क्लोज मैच हो गए पिछले तो कुछ मैचेज काफ़ी क्लोज़ हो ही रहे हैं वैसे तो वो वो देख लेता हूँ बाकी ऐसे एक्टिवली फॉलो नहीं कर रहा हूँ बट uh, जब व्लॉग बनाऊंगा तब आपको डेफिनेटली काफी अच्छे से जो है वो प्रॉपर ऐसा इनसाइट के साथ मैं कोशिश वीडियो देने की एक और सवाल है हमारा एप्पल इन इंडिया से रिलेटेड ही राघव कह रहे हैं कि एप्पल स्टोर इंडिया में खुलने से हम इंडियंस को कुछ ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा या ऑनलाइन पर जल्दी डिलीवरी मिलने लगेगी क्या ऑनलाइन तो एप्पल जल्दी करता है भाई काफी जल्दी करता है और अब तो अच्छी बात हो जाएगी कि जब जैसे आपका नया नया जब नया आईफोन आता है तो उस टाइम पे आप स्टोर में जाके सीधा वहां पर ऑन द स्पॉट ले पाओगे तो कुछ कुछ एडवांटेज होंगे प्राइसिंग में डिस्काउंट में मत इस चीज को देखो आपको फॉर एक्साम्पल फ्री वर्कशॉप मिलेंगी जब आप एप्पल स्टोर में जाओगे तो वहां पे आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा मतलब कोई रोकता टोकता कुछ भी नहीं है एप्पल स्टोर में जब जाते हो ना आप चार चार घंटे बैठे रहो वहां पे मैकबुक के अंदर अच्छे से उसको पूरा एक्सपीरियंस कर देखो यूज करके देखो मत खरीदो कोई बात नहीं वापस आ जाओ फिर चले जाओ वापस दिन और यूज़ कर लो उसको मतलब इतना अच्छा एक नो माहौल होता है टू ट्राई आउट ऑल द प्रोडक्ट्स ये एक बहुत अच्छी बात है इसके अलावा जो पूरा लाइनअप होता है जितने कलर्स हैं जो एक्सेसरीज हैं जितने वेरियंट्स हैं सब कुछ डिस्प्ले पे होता है तो मतलब इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑल टूगेदर बॉम्बे का स्टोर तो हमारे लिए काफी कुछ एक्साइटिंग होगा विद एपल कमिंग टू इंडिया विद ऑफिशियल स्टोर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सर्विस वगैरह सब चीज़ें

गूगल सर्च कर लो इस चीज को लेके और आपको इजीली मिल जाएगा सोल्यूशन या फिर अगर आपकी कंपनी का ही फोन है तो फिर तो ऐसा ही होता है कार्तिक कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए एक मोबाइल लेना चाहते हैं 15,000 टू 20,000 के अंडर, बेस्ट कैमरा प्रोसेसर एंड डिस्प्ले कौन सा बेटर रहेगा मेरे भाई मोटरोला का फोन चूज करो अभी हमने ऑफिस में भी जो है वो एक नया ही मोटर का फोन लिया था बिनो हमारे एडिटर का वैसे बैठ के ऊपर बैठ के स्क्रीन ही खराब हो गया था ओप्पो का था रेनो पुराना शायद कोई रेनो टू समथिंग तो अभी नया जो फोन लिया तो बजट वो था पंद्रह बीस का ही तो मोटोला के आई थिंक अच्छे फोन आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस या डिस्प्ले या कैमरा मतलब ऑल टुगेदर इन दैट बजट आई थिंक मोटो इज डिलीवरिंग सो यू कैन हैव अ लुक एट यू नो मोटो के जो ऑप्शन अभी आ रहे हैं नए-नए उन सबका संकेत की रिक्वेस्ट है कि उनका 18th अप्रैल को बर्थडे है क्या आपसे दो चीज की उम्मीद कर सकते hmm. हैं पहला एम का ब्लॉग किसी आई मैच में दूसरा उन्हें विश संकेत भाई एटीन अप्रैल जो है वो तो बस अभी यू you नो know, दो दिन बाद ही है तो अनफॉर्चुनेटली ब्लॉग वगैरह तो अभी इतने शॉर्ट नोटिस पे तो खैर हो नहीं पाएगा मैं चाहे जितना मर्जी कर लूँ बिकॉज अगेन मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ इधर उधर और एटीन को तो मैं वैसे ही बॉम्बे में रहने वाला हूँ तो टाइम ही नहीं हो पाएगा बट आपके लिए पूरे तहे दिल से बहुत बहुत यू नो बर्थडे की अच्छी अच्छी विशेज और पूरी टी फैमिली की तरफ से भी जो है वो आपके लिए सारी अच्छी अच्छी बधाइयां तुम भी विश कर दो हैप्पी बर्थडे ये लो बताओ और क्या चाहिए आपको राधे जानना चाहते हैं नथिंग फोन 1 वर्सेस आईफोन 12 वीडियो में इसे कौन सा अच्छा होगा और नथिंग फोन 1 में एंड्राइड 15 भी आएगा क्या यार नथिंग फोन 1 और आईफोन 12 को अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो आईफोन 12 काफी चीजों में लीड कर देता है नथिंग एक अच्छा फोन है बट आईफोन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा पॉलिश फोन है ज्यादा फीचर्स लेके आता है अगर हम वैसे देखेंगे तो एक दो जगह हो सकता है नथिंग लीड करेगा इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स बट ओवरऑल एक्सपीरियंस एक आई वुड से कि आई फोन ट्वेल्व इज मच बेटर ऑफ नो बाय बट देन अगेन डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस इफ यू वॉन्ट एंड्रॉइड या फिर आई ओ एस जहाँ तक बात है नथिंग में एंड्रॉइड फिफ्टीन की तो आई थिंक आना चाहिए क्योंकि तीन एंड्रॉइड अपडेट्स की बात की थी आई थिंक एट द टाइम ऑफ लॉन्च तो एंड्रॉड ट्वेल्व पे आया था थर्टीन आ चुका है फिर फोर्टीन और फिफ्टीन तो आई थिंक अभी तो सपोर्ट थोड़ा लंबा चलेगा नथिंग का कोई टेंशन नहीं है अगला सवाल है सूरज का वो कह रहे हैं कि उन्हें नॉन एप्पल फोन चाहिए फॉर वीडियोग्राफी सैमसंग एस ट्वेंटी थ्री बेटर रहेगा या फिर पिक्सल 7 Pro बजट है सेवेंटी टू एट्टी थाउजेंड और सेकंड चीज वाई एप्पल यूजिंग फेस आईडी डी टिल नाउ इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर यूजर्स फिंगर लॉक इज बेस्ट ऑलवेज भाई फेस आई बहुत तगड़ा यू नो कन्वीनियंट फीचर भी है ज्यादा सिक्योर भी है और ऐसे आप बस झांको अलग अलग एंगल से बहुत तगड़े तरीके से काम करते हैं भाई फेस आईडी फेस आईडी बहुत सही चीज है बिलीव मी वो नॉर्मल फेस अनलॉक नहीं है फेस आईडी के अंदर तो सिक्योरिटी भी है और कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है मतलब आपको आपकी ग्रिप चेंज नहीं करनी यार खाली स्वाइप करना है और सीधा बस एक झलक देखो और मतलब मक्खन काम करता है तो ये तो आ, मैं आपकी बात से अग्री नहीं करूंगा कि फिंगरप्रिंट स्कैनर इज बेटर हाँ दोनों हो जाएंगे तो और अच्छी बात है यू कैन चूज एज पर योर कन्वीनियंस जहां तक बात है वीडियोग्राफी के लिए तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई एस ट्वेंटी प्लस ले लो पिक्स Pixel is a good phone, but video के मामले में Samsung takes the lead. Photography में बोलूँगा कि 19-20 की बात बोल सकते हैं या almost same same सी रहेंगे कुछ में ये अच्छा कुछ में वो अच्छा but video में definitely Samsung is you know leaps ahead. भारत जानना चाहते हैं कि सैमसंग के एम सीरीज के फोन कब तक आएंगे वो वेट कर रहे हैं कुछ एक्सक्लूसिव बता दो भाई एम सीरीज का फोन कल ही आ रहा है ना अपना M14, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा मंडे बिनो दोपहर आराम से तो ये है उसके अलावा कुछ और फोन भी अभी आने वाले हैं होल्ड ऑन थोड़ा सा काफी मजा आएगा तन में जानना चाहते हैं विल देर बी एनी फोल्डेबल इन फ्यूचर इफ विल बी द मिनिमम प्राइस भाई फोल्डेबल तो ऑलरेडी दो तो एग्जिस्ट करते हैं एक तो लिनोवो का जो है वो है ऑप्शन उसके अलावा का जो है है वो भी आता फोल्डेबल ऑल्डो दोनों एकदम ऐसा इनिशियल स्टेज पे ज्यादा भी ऐसे पॉलिश प्रोडक्ट्स नहीं है बट फ्यूचर में डेफिनेटली सैमसंग भी लेके आएगा नो no, का तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी है बाकी और ब्रांड्स जो है वो डेफिनेटली ऐसे फोल्डेबल लैपटॉप्स के अंदर इनोवेट करने वाले हैं प्राइसिंग जो है अभी जो मिलते हैं मॉडल्स जो का आता है वह थिंक सवा तीन लाख का आता है तो आगे चल के थोड़ा तो कम भी अगर आप सोचोगे तो यार लाख दो लाख दो लाख दो लाख से कम क्या होगा यार बिकॉज डेढ़ लाख का तो फोल्डिंग फोन वैसे मिलता है नो you know, तो ये तो लैपटॉप की बात कर रहे तो और बड़ा डिस्प्ले और महंगा

सवाल को आपने इतने वीडियो में इतनी बार कमेंट किया है ना मेरे को याद हो गया है ये सवाल तो मेरे को पता है भाई कि यू वांट टू बाय और एयरपोर्ट सेकेंड जेन जो है ना वो नॉइज़ कैंसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपग्रेड है ओवर डेफिनेटली द प्रीवियस जेन द ओरिजिनल एयरपोर्ट्स प्रो दिखने में आपको इतना फ़र्क महसूस नहीं होगा बट साउंड क्वालिटी और स्पेशली uh, जो नॉइस कैंसिलेशन कर रहा है ना बहुत एक अच्छे लेवल पर कर रहा है ट्रांसपेरेंसी मोड अडेप्टिव नो सारे जो ऑप्शन हैं बहुत अच्छे हैं यू विल एन्जॉय निश्चय पूछ रहे हैं आपका एप्पल इकोसिस्टम के बारे में क्या कहना है मज़े का एक्सपीरियंस है भाई और मैंने तो फोटो भी पोस्ट की थी अभी इंस्टा पे दो तीन दिन पहले ही एक बार कि टेक इज फन व्हेन इट्स ऑल कैन ऑफ नो कनेक्टेड व्हेन इट ऑल वर्क्स टुगेदर तो एप्पल के साथ में यही थोड़ा मज़ा आता है कि आईफोन हो गया आई हो गया मैक हो गया वॉच हो गई एयरपॉड्स हो गए वो चीज़ें आपस में काफ़ी अच्छे से वेलेंसिंग रहती हैं और काफ़ी मज़ा भी आता है जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट फोन कौन सा है अंडर फोर्टी के और आपका प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइस कौन सा है और आपके पूरे ऑफिस में कितने एम वाले वाई का प्लान है और कौन से कंपनी का और आपके पूरे ऑफिस में सब एपल इको ही है क्या बहुत ज्यादा और 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 हो गया तो शुरुआत करता हूँ चालीस हजार नीचे मेरा फेवरेट फोन आई वुड से वन प्लस इलेवन आर इज अ गुड ऑप्शन वैसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट फोन तो आपको पता ही होगा नोकिया का ई नाइनटी राइट नाउ जो मेरे डिवाइस हैं वो ये हैं सैमसंग एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा और आईफोन फोर्टीन प्रो मैक्स जहाँ तक बात है ऑफिस के इंटरनेट की तो ऑफिस में वी हैव हाँ, वन जी बी पी एस का जियो फाइबर वर्कस यू तो नो फेंटास्टिक और इको सिस्टम जो है ऑफिस में वो ऑफकोर्स वी यूज़ ऑल एपल प्रोडक्ट्स तो मैकबुक हो गया या मैक हो गया या मतलब यू नो सब चीज़ें काफी चीजें वैलेंसिंक रहती हैं तो आई थिंक इट्स ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस और फिलहाल जो सवाल पढ़े जा रहे हैं वो भी एक मैकबुक एयर से पढ़े जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि सर रिसेंटली आई हैव पास ट्वेल्थ सो प्लीज टेल मी बेस्ट बेस्ट फोन अंडर विद कैमरा गुड प्रोसेसर गुड डिस्प्ले एंड बेटर लैपटॉप फॉर कोडिंग लिटिल बिट गेमिंग क्लास बेसिकली फॉर कॉलेज यूज अंडर सेवन के लैपटॉप तो मैं आपको मैकबुक बोल देता बट आपने गेमिंग का नाम ले दिया ना तो फिर आपको दूसरा कुछ ऑप्शन देखना पड़ेगा लीजन विजन के कुछ लैपटॉप आते हैं अच्छे वो आप देख सकते हो उस प्राइस में एसर का प्रेटर वगैरह भी मिल जाएगा आपको वो आप चेक करो सत्तर हजार के अंदर आपको ठीक ठाक लैपटॉप मिल जाना चाहिए फॉर ऑल नो दिस काइंड ऑफ फोन आपने बोला अगर अंडर पच्चीस आपको सब कुछ चाहिए तो एक बार के लिए थोड़ा सा वेट कर लो यार प्लीज आपको ना एक या दो मॉडल्स अभी आने वाले हैं मैं अभी का आपको नाम लेके बता नहीं पाऊंगा बट जस्ट वेट फॉर इट बिकॉज अभी मैं कोई फोन रिकमेंड करना चाहता बिकॉज तुरंत तुरंत तुरं अभी फोन आने वाले आपके कॉलेज में भी थोड़ा सा और टाइम होगा आपने जिसमें ट्वेल्थ किया ही है तो वेट फॉर दो हफ्ते तीन हफ्ते एंड यू विल गेट गुड फोन इन दैट इन दैट प्राइस रेंज विद गुड कैमरा परफॉर्मेंस डिस्प्ले एवरीथिंग मोहित पूछ रहे हैं कि आपने अभी तक कितने फोन हाथ में पकड़े हैं और आप इतने सारे फोन रखते कहाँ हो क्या फ्यूचर में टीजी फैमिली को सारे फोन देखने को मिलेंगे हाँ मिल जाएंगे भाई वो तो प्लान कर सकते हैं पता नहीं क्या ही कि कितने हाथ में पकड़े हैं आज तक फोन बट अगेन यार मतलब इट्स बिग नंबर गिनती करने आऊंगा तो नहीं कर सकता या तो एक्सेल बनानी पड़ेगी

और उस टाइम पे आईफोन है नया नया अनुज के पास में। मतलब है का मतलब खरीदा तो था बट अभी यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस टाइम पे टैक्सी में आईफोन छोड़ दिया है अपना और अभी अनुज के पास में कौन सा फोन अनुज फेंकी हुई इधर अभी अनुज के पास में है ये <laughs> ये है अनुज का ऑन होता है कि ये जियो फोन है अभी <laughs> 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 तो तो अनुज के हाथ में एक टाइम पे आईफोन हुआ करता था बट अभी नॉट एनी क्या कर सकते हैं भाई

अगला सवाल है युवराज का वो कह रहे हैं आई 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 एम करंटली यूजिंग शुड शुड बाय प्रो प्रो और वेट वेट फॉर कर लो भाई अभी अगर आप वेट कर सकते हो तो ऑल्डो अभी अप्रैल ही हुआ है तो मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर पाँच महीने और फिर ऊपर और कुछ और दिन आप जोड़ोगे तब जाके नया आएगा और प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा होगी तो अभी आपको जो मिल रहा है 14 प्रो बहुत सारे ऑप्शन आपको यू नो अवेलेबल होंगे मार्केट में इंडिया का यूनिट बाहर का यूनिट जो भी है तो वो ले सकते हो Because 14 प्रो और 15 में ज्यादा कुछ ऐसे you know, point of view से आपको मेजर अंतर नहीं मिलने वाला है you know, वही आपका जो डायनामिकलेंडर वो रहेगा चीजें रहेंगी तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्या स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ आप कितना वेट कर सकते हो या कितना स्पेंड कर सकते हो लास्ट पर लीस्ट लॉन्ग बोल रहे हैं कि नथिंग फोन टू के कुछ अपडेट बताइए सर आपके अच्छे दोस्त हैं इसलिए तो नहीं बताऊंगा वरना <laughs> बता देता अगर अगर दोस्त नहीं होता तो लेकिन अभी क्या बता सकता हूँ यार नथिंग फोन टू का यही है कि समथिंग एक्साइटिंग कमिंग अप फॉर श्योर जितना मुझे पता है और थोड़ा सबर करो ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा सून हैव हाँ नथिंग इन हैंड्स दैट्स दैट्स इट इट तो आई होप कि आपको वीडियो देख के मजा आया होगा आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे फिर चाहे आपका कोई संकेत हो या निश्चय जैसे आपके नाम थे आ, मैं पूरा निश्चय जो है वो करके बैठा हूँ कि आपको ऐसी वीडियो जो है वो ला देता रहूंगा मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग के साथ में नेक्स्ट एपिसोड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम कहीं और से शूट करने वाले हैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में Jehend van de Matrum.